गाइस वेलकम बैक टू पॉडकास्ट मेकर। तो ये है मेरा लाइफ का पहला ब्लॉग और हम आए हुए हैं वेस्ट ऑफ वंडर्स। देख तो रहा नहीं हो गई इतना क्लियर, बट हम वहीं पर आए हैं। चलो अंदर चलते हैं, अभी तो टिकट खरीदे हैं। यहाँ पर है ये पानी का झरना, सीरियसली अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। पूरी पब्लिक आई हुई है यहाँ, ये देखो SBMC, नाइस। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है लिखा हुआ 7 Wonders of World। मैटर नहीं करता भले ही वेस्ट से बने हो, हमें क्या लेना देना, अब तो घूमने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, तो हम आ चुके हैं वेस्ट के आईफिल टावर के पास। ढेर सारे लोग हैं, सेल्फी लेने की जगह ही नहीं हो रही, क्या करना है। चलो बढ़ते हैं आगे, सबसे बड़ा सही लग रहा है, बिल्कुल टॉप तक लग रहा है, चाहे एंडी नहीं होगा, ऐसा सिमेट्रिकल फिगर है, किसी भी एंगल से फोटो ले एक ही जैसा लगता है, परफेक्ट। मेरी जगह नहीं आ रही, ये कहाँ गया हम सब नान। चांद भी कितना अच्छा लग रहा है, मस्त कूल। ये है चमकता हुआ ताजमहल इन द वेस्ट ऑफ वंडर्स। हाँ वैसे ज़्यादा उतना बड़ा है नहीं, मगर फिर भी यार ओरिजिनल वाले सच बोलूँ तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, सही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है काइंड ऑफ स्टेडियम, तो ये है ग्लैडिएटर। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो उसमें एक स्टेडियम था, तो ये वही स्टेडियम है जिसमें फाइट्स वगैरह होती थी, बुल फाइट्स और मार पिटाई वगैरह, बढ़िया है यार। लेकिन कुछ भी कहो, मतलब ये तो भाई बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है यार, इतना सही लग रहा है, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। तो ये है रियो रिडीमर स्टैचू है, आई गेस शायद ब्राज़ील में बना था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, स्टैचू रियो में ब्राज़ील में है, जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो अब अगला ये है हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आई गेस इसके बारे में बताने की हमें ज़रूरत है नहीं, सब जानते ही हैं क्या है ये। वेल हमारे इंडिया में वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ने इसको बीट कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल बड़ा प्यारा है यार, सही बता रहा हूँ, अपना प्राइवेट होता तो अभी इसमें कूद जाता। ये है लीन टावर ऑफ पिज़्ज़ा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये है पिरामिड ऑफ गीज़ा, यार फोटो में बस लाइट्स इसकी दिख रही होंगी उतना क्लियर तो पता नहीं चल रहा होगा। सो ये इजिप्ट में है, बिल्कुल प्योर सिमेट्रिकल है, हर साइड से दिखाता हूँ, रुको ये तो फर्स्ट साइड है, नेक्स्ट साइड दिखाता हूँ, ये देखो लिटरली हर साइड से एकदम एग्जैक्ट ही है। अंदर इन्होंने ये लाइट्स लगा रखी हैं इसे ग्लो करने के लिए, सही लग रहा है, मतलब रात में बहुत कूल लग रहा है ये, एक एक साइड बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना, प्योर सही है। लास्ट ये वो है वंडर हमारी ट्रिप का, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चलो गाइस यही था व्लॉग, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, सारे वंडर्स देख लिए, आपको भी दिखा दिए, अब चलते हैं वापस घर, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।